गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक सिंह और आज हम लोग आ गए हैं टाटा के शोरूम में। और पीछे आप देख सकते हो टियागो ईवी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसे आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। टियागो ईवी का फुल रिव्यू हमारे पास अवेलेबल है उस पर भी। और साथ ही साथ अगर इस गाड़ी का फाइनेंस डिटेल्स हम लोग के पास आने वाला है तो फुल फाइनेंस डिटेल्स अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका एक ओवरव्यू लेंगे और इसका एक वॉक अराउंड लेंगे कि लुक कैसा है, इसका कॉस्मेटिक कैसा है, इसका एक्सटीरियर लुक कैसा है, वो सभी हम लोग डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्सॉन पे भी वीडियो दूंगा और साथ ही साथ उसका भी मैं आपको फुल फाइनेंस डिटेल्स और साथ में उसका जो वॉक अराउंड और रिव्यू है वो भी कवर करूंगा। मैं पीछे आप देख सकते हो टियागो ईवी हमारे पास ये अवेलेबल है अभी, टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। आपको आपके लिए बहुत कुछ है, काफी कुछ है। मतलब अगर आप लोएस्ट डाउन पेमेंट पे चाहते हैं इस गाड़ी को ले जाना तो वो भी अवेलेबल मिलेगा। लोएस्ट ईएमआई चाहते हैं वो भी मिलेगा। बिना स्किप किए देखो, मैं आपको डिटेल देता हूँ। ओके गाइस, तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं टियागो ईवी का एक शोरूम प्राइस क्या होने वाला है पटना में। टियागो ईवी एक्सी मॉडल का प्राइस जो आपको पटना में होगा वो आपको होने वाला है 8,69,000। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें हम लोग पटना में तो इसका प्राइसिंग होने वाला है 9,66,628 रुपीज ऑनली। ये आपका ऑनर प्राइस होगा पटना का। और बाकी आप बोलोगे कि भाई बेस मॉडल का बना रहे हो, बाकी मॉडल का नहीं बताया, तो सभी मॉडल का एक बार में पॉसिबल नहीं है बनाना वीडियो। तो बाकी का आपको डिटेल चाहिए होगा तो प्राइस लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर किसी स्पेसिफिक मॉडल पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करना, मैं उस मॉडल का आपको प्रॉपर डिटेल्स रिव्यू के साथ लोन डिटेल्स कवर करके मैं आपको दूंगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट की। तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपका होने वाला है वो आपको 1.5 लाख का होगा, यानी 1,50,000 का आपका मिनिमम डाउन पेमेंट होगा। जी हाँ, मिनिमम डाउन पेमेंट सिर्फ 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के डाउन पेमेंट पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जा सकते हो आज के आज घर। तो इसका ईएमआई जो है आपका 3 इयर्स के लिए 25,779 रुपीज का जाएगा, 5 इयर्स के लिए 16,754, और साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 इयर्स का तो वो आपको होगा 12,933 रुपीज ऑनली। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डाउन पेमेंट की। तो इसका सेकंड डाउन पेमेंट जो आपका होने वाला है वो आपको होने वाला है 2,90,000। तो अगर आप 2,90,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो इसका ईएमआई जो आपको 3 मंथ्स के लिए होगा वो आपको 21,359 रुपीज का जाएगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें 5 इयर्स की तो 5 इयर्स में आपको 13,882 रुपीज की ईएमआई जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं 7 मंथ की, सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं 7 इयर्स की, तो 7 इयर्स में जो इसका आपको ईएमआई जाने वाला है वो आपको जाने वाला है 10,715 रुपीज ऑनली। तो ये आपका हो गया सेकेंड ईएमआई। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डाउन पेमेंट, क्योंकि अभी बहुत आप वेट कर रहे होंगे कि इसका जो लोएस्ट ईएमआई है वो कितना होने वाला है, तो वो भी अवेलेबल है। सबर करो, बता रहा हूं। इसका जो थर्ड डाउन पेमेंट है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो थर्ड डाउन पेमेंट होगा वो आपको 5 लाख का होगा। अगर आप 5 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 3 इयर्स के लिए आपका जो ईएमआई होने वाला है वो आपको 14,730 रुपीज का होगा, 5 इयर्स के लिए 9,574 रुपीज। और अब जो आने वाला है वो 7 इयर्स के लिए जो कि मिनिमम ईएमआई होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो आपको होने वाला है 7,390 रुपीज ऑनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ 7,000 का ईएमआई दो और इस गाड़ी को आप घर ले जा सकते हो, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप घर ले जा सकते हैं आज के आज। तो अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, बुकिंग डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसका वेटिंग टाइम क्या है वो जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहो, मैं जस्ट अभी बताता हूँ। ऐसे शोरूम का डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उनसे मैं एक बार कंफर्म करवा देता हूँ क्या डिटेल्स होने वाला है आपका शोरूम का, और साथ ही साथ जो इसका उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप बुकिंग कराने में आपको आसानी हो। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं अपने मनपसंद डाउन पेमेंट करना तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप सर को बताएंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, तो आइए हम लोग पता करते हैं इसका बुकिंग अमाउंट क्या है और साथ ही साथ जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होगा ताकि आप बुकिंग आराम से कर सके। इनफैक्ट कोई अगर क्वेरी हो तो वो भी आप क्वेरी को सॉल्व कर सके अपना। तो आइए हम लोग बुलाते हैं अमरनाथ सर को। सर बढ़िया, सर आप कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। चलिए ओके सर, तो जैसा कि ये टियागो ईवी बेस मॉडल है हमारा, एक्सी मॉडल है, तो अगर हम किसी भी मॉडल स्पेसिफिक मॉडल का अलग अलग बुकिंग अमाउंट होगा या फिर सभी मॉडल का सेम होने वाला है? सभी मॉडल का बुकिंग अमाउंट सेम होता है। ओके सर, तो बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है सर? मिनिमम आप 11,000 से करवा सकते हैं, 11,000 से बुकिंग करा सकते हैं। सर ओके सर, एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना बता दीजिएगा ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान जाए और कहां से कैसे बुकिंग कराना है और क्या डिटेल्स उनको मिल सकता है। मेरा नाम अमरनाथ हुआ, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है 9135947093। ओके सर, शोरूम का एड्रेस क्या हुआ? अनन्या ऑटो एजेंसी, कुमरार पार्क है। हाँ। जस्ट सबने, तो जैसे कि सर कोई लोकेशन बता दीजिए जाकि जिससे कि
जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं आराम से आ सके पटना में अगर अवेलेबल है तो। लोकेशन है सर नियर बाय इसमें कुम्हरार पार्क है। अच्छा कुम्हरार पार्क है जस्ट बगल में जी। ठीक तो थैंक यू सर और ये डिटेल्स देने के लिए, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए होगा आप लोगों को तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, अमरनाथ सर से। सर का कांटेक्ट डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जाइए और कांटेक्ट कीजिए। वर्किंग टाइम में ही कांटेक्ट करो, रात के 10 बजे 11 बजे कांटेक्ट मत करना, वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होने लगता है सभी को, तो ऑफिशियल टाइम में आप कांटेक्ट करिए। और बाकी हम लोग का जो है, हम लोग इसका एक्सटीरियर इंटीरियर कॉस्मेटिक लुक क्या है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, एक चीज मैं मिस कर गया था जो कि इसका रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस है जो कि काफी लो होने वाला है। अगर इसके रनिंग कॉस्ट की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रिक जो खर्च आने वाला है, जो इसका इलेक्ट्रिक का खर्च आएगा वो आपको अप्रॉक्स 1 रुपीज होगा, ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है, मतलब 1 रुपए के अप्रॉक्स आपका आएगा 1 किलोमीटर का। तो मान लो कि मतलब आप खुद ही एक अनुमान लगा लो कि क्या आपका कॉस्टिंग होने वाला है 1 रुपया का 1 किलोमीटर, मतलब 1 रुपया का 1 किलोमीटर मतलब 100 रुपया में आपको 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स आप चला ले हो गाड़ी को। तो मेंटेनेंस काफी लो है और साथ ही साथ इसमें आपको इंजन वगैरह नहीं है तो मेंटेनेंस काफी हाई नहीं होगा। ओके गाइस, तो देख सकते हो की कुछ आपका इस तरह का होने वाला है टियागो ईवी का, ये आपका टॉप मॉडल का की है, बाकी मैंने जो आपको डिटेल्स दिया है वो आपका बेस मॉडल का है। फिलहाल आप देख सकते हो की जो आपको कुछ इस तरह का आपका होने वाला है टाटा का, तो ये आप देख सकते हो फ्रंट लुक आपका कुछ इस तरह का होगा और साथ ही साथ बैक लुक देख सकते हो, बैक लुक आपका टाटा का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। ओके गाइस, तो मैंने की आपको दिखा दिया, की कुछ इस तरह का आपका है अवेलेबल, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टियागो ईवी, तो ईवी यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हो डॉट ईवी, फुल नेम आपका गाड़ी का होने वाला टियागो डॉट ईवी। ये बेस मॉडल की मैंने आपको प्राइसिंग जो बताई है, अगर आप चाहते हैं इस पे स्पेसिफिक वीडियो अगर अवेलेबल चाहते हैं अगर टॉप मॉडल पे तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ये भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, इस पे आपको फुल डिटेल्स, फुल आपका लोन डिटेल्स भी अवेलेबल होगा। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना हो तो ऑन रोड प्राइस जो है आपको फुल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ और चेकआउट करो। बाकी अगर हम इसके रिव्यू की बात करें तो फुल रिव्यू जो है अवेलेबल है, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो टॉप मॉडल की। और इसका ये साइड लुक कुछ इस तरह का आपको होने वाला है, मैं एक बार इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हो इंटीरियर कुछ इस तरह का आपको होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो 72% आपका ये चार्ज है, तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर यहाँ से शो करता है। यहाँ पे देखो चार्ज हो रहा है, लगा हुआ है प्लग में अभी, तो यहाँ पर चार्जिंग का यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आपको बैटरी का दिखा रहा है कि बैटरी आपका 72% चार्ज है, ये 73% हो गया। इसका स्टेडिंग देख सकते हो, स्टेडिंग माउंट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बट ये बेस मॉडल अगर आप लोगे तो बेस मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बट अगर टॉप मॉडल लेते हो टॉप मॉडल में आपको सभी चीज़ सभी फीचर्स अवेलेबल मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का आपको फुल यहाँ पे फीचर्स मिल गया। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया हार्मन का, और साथ ही साथ इसमें जो आपका स्पीकर होने वाला है, स्पीकर जो है आपको आपका JBL का होने वाला है, ये आपको ऑटोमेटिक में आएगा, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता है, सभी आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स, यहाँ पे सभी यहाँ पे मार्किंग मिल जाती है। उसके बाद एक सीट की देख सकते हैं, सीट कम्फर्ट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आपको जो है इसका सीट मिल जाता है, ड्राइवर सीट मिल जाता है, साथ में को ड्राइवर सीट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पे आप इसका डोर देख सकते हो, डोर पे ही आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट पे ही आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे से आप विंडो को लॉक कर सकते हैं। लुक तो कुछ इस तरह का लुक होने वाला है, बैक भी देख सकते हो आप। ओके गाइस, तो मैंने आपको गाड़ी का फुल डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, कैसा लगा आपको गाड़ी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, और इसका जो फाइनल डिटेल्स था वो मैंने आपको कवर कर दिया पूरा। डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ का चाहिए होगा, सैलरी स्लिप दे दीजिएगा 3 मंथ्स, ITR दे दीजिएगा 2 इयर्स 3 इयर्स जो आपके पास अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रिक बिल दे दीजिएगा, जॉब ID दे दीजिएगा, 3 फोटो दे दीजिएगा और 3 पीस चेक दे दीजिएगा। और फर्दर डिटेल्स अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ जानना होगा तो स्क्रीन पे आपको जो है नंबर शो कर रहा है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके गाइज, तो मैंने आपको डिटेल्स दे दिया है डॉक्यूमेंटेशन का, और अब आप जो है अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपका नंबर फ्लैश हो रहा है, जाइए और बुकिंग कराइए और अपनी ड्रीम कार अपने घर ले जाइए। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ब्रो, तो सब्सक्राइब जरूर करो। और इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।